बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह नया साल नमोदार होने के लिए तैयार है और ये साल अपने इख्तितामी लम्हात गुजार रहा है। इसका मतलब है कि थोड़े दिनों में नए साल का सूरज तुलू होगा और थोड़े दिनों में ही मौजूदा साल का सूरज ग़ुरूब होगा। तो उसके हिसाब से मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके अंदर हर कंपनी चाहती है कि नया जो साल शुरू हो उसमें उनकी वर्थ मौजूदा साल यानी 2023 से बेहतर हो। उसकी तैयारियां मुख्तलिफ मराहिल में शुरू कर दी गई हैं। बड़ी कंपनियां अपने अंदाज़ में, छोटी कंपनियां जो नमूदार हो रही हैं वो अपने अंदाज़ में। बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब ब्रांड्स की जंग का आगाज़ होने जा रहा है 2024 में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर कंपनी अब फ्रंट फुट पे खेलने के लिए तैयार है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ब्रांड ज़रा स्लो चल रही थी, अब 2024 के लिए उनके प्रोग्राम जो हैं वो आगे की तरफ हैं और बहुत पुरकशिश अंदाज में वो आना चाहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड अपने मतारुफ कराने हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स उसके मतारुफ कराने हैं, औसत दर्जे के लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए और हाई रेंज के फ़ोन मार्केट करने हैं, जिसके तहत वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर अपने एमडीज डीलर्स को और डीलर जो है अपने मोबाइल सार्फीन को अपनी जानिब मतवज्जो कर लें, कीमत के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, ब्रांड के लिहाज से। अब ये जंग जो है वो शुरू होने के करीब पहुंच रही है। हर कंपनी अपने अपने इजलास मुनक्किद कर रही है नए माली साल के सिलसिले के लिए। मुख्तलिफ ब्रांड ने जो है, दुनिया की जो टॉप ब्रांडों में शुमार होते हैं, उन्होंने अपने अपनी टीम गैर मुल्क यानी मतलब पाकिस्तान से बाहर मधु की, कुछ ने चाइना में, कुछ ने सिंगापुर में, कुछ और भी मधु करने जा रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तकरीब के बहाने, किसी न किसी प्रोग्राम के बहाने या मीटिंग के बहाने। इसी तरह बहुत सारी अहम शख्सियात पाकिस्तान से बाहर दौरा कर चुकी हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर चुकी हैं और बहुत सारे इस मुल्क में रह के यानी मौजूदा वक्त में गैर मुल्की अपने जो ब्रांड हैं उनके सरबराहों को, उनके पाकिस्तानी मैनेजमेंट को मधु कर रहे हैं, कुछ चाय पर और कुछ खाने पर, कुछ घुमाने के लिए, कुछ लजाने के लिए, एक दूसरे के साथ मिल रहे जुल रहे हैं, दोस्ती बढ़ती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं दस्तरखान वसी करने से, ये बात तो तय है। इसी सिलसिले की कड़ी बांधते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अब नए साल के लिए सैमसंग अपने नए ब्रांड जो अपनी उनके जहन में हो सकता था, जो मौजूदा जो सैमसंग है अपनी जो मुख्तलिफ उनकी मॉडल्स हैं सीरीज़ के, वो मुतारफ़ कराने जा रहा है। माजरत के साथ ब्रांड का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया था। तो इसी तरह कुछ ताकि वो जंग जो है वो शिद्दत में आए, तीनों रेंज के फ़ोन देने के चक्कर में फ्लैगशिप ज़रूरी है किसी भी ब्रांड के लिए कि वो सेल हो, ताकि उसकी फाउंडेशन मज़बूत हो। इसी के साथ शाओमी अपने सिलसिले मज़बूत करने की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ अपने मॉडल्स मुतारफ़ करा रहा है और नए साल में बड़ा उनकी नोट सीरीज़ के और दीगर जो है इब्तदाई दिनों में मुतारफ़ होंगे, जिसकी लॉन्चिंग सेरेमनी पाकिस्तान के कई शहरों में जिस तरह शाओमी करता है बहुत धूमधाम से होती है, कम अज़ कम तीन बड़े शहरों में तो उनका इनेकाद यकीनी होता है। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो आने वाले मॉडल है, इन्फिनिक्स है, ये भी दौरे पे ले जा रहे हैं, वहाँ अभी गाला प्रोग्राम का मैटर जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने एमडी को आइंदा का प्रोग्राम देगा।
टेक्नो आया, उसका भी पूरा प्रोग्राम यही है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और एमडीज को अपना प्रोग्राम नए साल का देने की तरफ जा रहा है और मॉडल निकाल रहे हैं। इन्फिनिक्स भी नया मॉडल रिलीज कर दिया है, 2-3 दिन में यानी मंडे या ट्यूजडे से नया मॉडल उनका पेश कर दिया जाएगा। ताहाल उसकी कीमत का तयन नहीं किया, कहते ये हैं कि सस्ते तरीन फ़ोन इन्फिनिक्स के आने वाले हैं। अब क्या आ रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं वो एक अच्छी रेंज में देने के चक्कर में, और मुसलसल इन्फिनिक्स पहले होता था कि काफ़ी टाइम बाद देते थे, अब मुसलसल दे रहे हैं मुख्तलिफ मॉडल्स। इसी के साथ टेक्नो जो है अपने मॉडल दे रहा है, गो सीरीज़ के आपने देख लिया 24 आ गया, इसी तरह कैमन जो है उसका आगे का आने वाला है 21 आने वाला है, इसी तरह दीगर जो 10 है 10C आ गया है, अब उसको 20C भी कर सकते हैं, और मतलब मुख्तलिफ मॉडल जो है इसके आ रहे हैं इसी तरह, ताकि वो तीनों रेंज के सार्फिनों को अपनी तरफ ला सके, नई तरक्की नए उसके साथ वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और जो डीलर्स हैं उनको एतमाद में लेगा। इसी के साथ जो है ये जो है हॉनर अपने भरपूर तरीके से आने के लिए तैयारी कर चुका है, इसी के साथ साथ जो दीगर ब्रांड आ रहे हैं उनके भी एक स्पार्क्स है। डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने नया ब्रांड ले आया है, उसके मुतालिक तो मैं अभी आपको आगाही देता हूँ एक्स स्मार्ट की। इसी तरह वो उसके नए मॉडल स्पार्क्स में नए मॉडल ला रहा है, दीगर चीज़ें रेट का मुवाजना कर रहे हैं, रेटों की जंग एक अलहदा मसला है। इस वक्त पोजीशन ये चल रही है कि 2024 जो है मैदान जंग बनेगा ब्रांड के लिए। इसी में कई और भी जो आईटेल है, आईटेल का बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है, वो फीचर फ़ोन से लेके स्मार्टफोन तक बहुत मुख्तलिफ मॉडल पेश करने जा रहे हैं, ज़ीशान यूसुफ साहब इनके जो रवै रवा हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो नोकिया भरपूर तरीके से एंट्री देने के लिए तैयारी कर चुका है, नोकिया स्लो चलता है, लेकिन अब आपको मैं खबर दे रहा हूँ नोकिया जदीद मॉडल राज करने के लिए पाकिस्तान में एंट्री भरपूर देने के लिए वापस भरपूर तरीके से आ रहा है। फीचर फ़ोन तो आपको पता ही है कि अब दोबारा उन्होंने शुरू भरपूर तरीके से कर दिए हैं, एडवांस टेलीकॉम लेके आ रहे हैं, इसी तरह उनके जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लेके आ रहे हैं, लेकिन एडवांस टेलीकॉम और उनका साथ बड़ा मजबूत है। हमारी दुआएं ये चलता रहे नोकिया वालों को, नोकिया HMD, और वो अपने मोबाइल सार्फिन को बेहतर से बेहतर मॉडल पेश करके इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। कई और भी ब्रांड ऐसे हैं, क्यू वाला भी की भी एंट्री देती नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या होती है क्या नहीं ये एक अलहदा कहानी है। इसी के साथ ओप्पो है बड़े यानी जदीद मॉडल ला रहा है और बड़े उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, इसी तरह वीवो बहुत सारे मॉडल निकाल दिए हैं और मज़ीद और नए साल में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश करने जा रहा है जो मुख्तलिफ रेंज के हिसाब से हैं। इसी तरह रियलमी के 2-3 मॉडल बहुत अच्छे चल रहे हैं, उम्मीद ये है कि मज़ीद ये तेज तरीन अपने आप को ऊपर लाने के लिए मॉडल मतारुफ कराएगा। और दूसरे भी जो छोटी ब्रांड है इसके मुतालिक, छोटी से मुराद अल्लाह ना करे जो इब्तदाई मरहले में होती हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में टॉप ब्रांड जो चल रहे हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें सामने आती हैं। खबरें इसके अंदर बहुत हैं, लेकिन घमसान की जंग होने जा रही है और रेटों के अंदर बहुत ज़बरदस्त फसाद होगा इनका। उसकी वजह यही है कि वीगो टेल ने भी अपनी एंट्री दे दी है, अब और भी दूसरे हमारे कॉलमी वाले हैं ये भी ला रहे हैं, इसी तरह जो मी मोबाइल वाले हैं वो भी ला रहे हैं, दीकर और बहुत सारे लोग ला रहे हैं। G5 भरपूर तरीके से आ रहा है स्मार्टफोन के साथ, अब नए साल में मैं आपको स्टोरी पहले भी दे चुका हूँ, G5 भरपूर तरीके से आ रहा है। हाजी अब्दुलरहमान साहब इनके जो रोए रवा है समझ लें, वो तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं और नया साल उनके लिए खुशियों का तोहफा लेके आएगा, अपने जो डीलर्स हैं उनके उनके साथ उनके रबते मज़ीद मज़बूत होंगे। तो ये बहुत सारे लोग हैं इसमें जो चल रहे हैं, अब जंग
कौन पहला, कौन दूसरा और कौन तीसरा और कौन चौथा और कौन पांचवा आएगा, टॉप फाइव में कौन आते हैं पहले क्वार्टर में, ये आपको नाचीज इंशाल्लाह जिंदगी बखैर इंशाल्लाह आपकी हमारी तो बताएगा। तो देखना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और साथ में कमेंट्स करके इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, फी अमानुल्लाह।